more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. स्टार प्लस का पॉपुलर फैमिली ड्रामा शो ये है मोहब्बतें मुझे दर्श को खूब सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है और आज हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा इस सीरियल के आगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सीरियल के पिछले एपिसोड की, जहां आप सभी के सीरियल के शुरुआत में ही आदि और रूही की उनकी शिमाल के साथ बॉन्डिंग देखने को मिली होगी। लेकिन उसी बीच एक बार फिर से शगुन सुन लेती है इन सब की बातें, जिसके बाद शगुन के एक बार फिर से होने लगता है इशिता पर शक और साथ ही साथ शगुन इशिता के मकसद को जानने के लिए उसी की हाँ में हाँ मिलाती भी आएगी नजर। तो दूसरी तरफ इशिता भी शगुन और अशोक की शादी के लिए तैयारी शुरू कर देती है, जिसके बाद इशिता के इस फैसले को सुनकर सब हो जाते हैं शॉक। लेकिन आपको बता दें कि यह सब कुछ इशिता की एक चाल है ताकि वो शगुन की अदाश वापस ला सके और इशिता ठीक शगुन को उसी तरह से तैयार करते हैं जिस तरीके से उसके मणि की शादी वाले दिन किया गया था। और इस सीरियल की कहानी में ट्विस्ट तो तब आया जब शगुन उसी कोर्ट में पहुंच जाते हैं जिस कोर्ट में उसकी और मणि की शादी हुई होती है। तो वहीं शगुन को भी अब धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा होता है और अब आप इस सीरियल के आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे शगुन के सामने आ जाएगी उसके मणि की शादी वाले पेपर्स, जिसके बाद शगुन हो जाएगी बेहोश और शगुन सीधा पहुंच जाएगी हॉस्पिटल, जिसके बाद आपको बता दें कि बहुत ही जल्द शगुन की अदाश वापस आ जाएगी। वेल अभी सीरियल में और कौन से नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से अमित की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज़।